नमस्ते दोस्तों, गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर आज संतुलन किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमें गुड़ी पड़वा का महत्व तो समझाने ही वाले हैं, पर साथ में आयुर्वेदिक रेसिपीज के बारे में अभी भी हमें बताएंगे। नमस्ते। ये जो गुड़ी पड़वा है, ये सबसे भारतीय संस्कृति का बड़ा त्यौहार है। आज के दिन ये विश्व की शुरुआत हुई, जब ऐसे परमेश्वर ने नक्की किया कि ये विश्व बनाना है, तो ये पहला दिन है। इसलिए आज आप देखेंगे कि हमारे सूर्य, चंद्र, हमारी पूर्व दिशा सब एक जगह पर आ जाएगी। और ये एक बड़ा महोत्सव तो है ही, क्योंकि जैसे एक आदमी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो ये विश्व का जन्मदिन है। भारतीय परंपरा में जितने भी त्यौहार है, वो सब एक उपचार है जी। ये त्यौहार और हमारी परंपरा, ये इसमें शरीर का बहुत ध्यान दिया हुआ है, ध्यान रखा हुआ है। मन है शरीर के साथ, शरीर का मतलब है शरीर, मन, आत्मा सब एक। तो इसका सबका ख्याल रखते हुए जी। बहुत ही महत्व दिया गया है। और आज जो है वो पकवान के रूप में श्रीखंड, ये आज के दिन का ये पकवान है, वो भी बहुत ही साइंटिफिकली जैसे आयुर्वेद ने ही ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है जी। मतलब खाने पीने को तो वैसे भी बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि उसी से हमारा शरीर भी बनता है। तो ये श्रीखंड जो है, इसकी रेसिपी आयुर्वेदिक ग्रंथों में पाई जाती है? आयुर्वेदिक ग्रंथों में दिया है, उसका नाम रसाला इसे रखा हुआ है। और ये जो रसाला है, ये जैसे हम श्रीखंड बनाते हैं तो वैसी ही लगभग है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी इसकी जो क्रिया है और अंदर की वस्तु निकाल के सिर्फ हमने, और आजकल तो जैसे मार्केट में दही शक्कर का बनाया हुआ एक चक्का मिला के श्रीखंड, और अंदर रंग डालते हैं थोड़ी सी, अंदर ऊपर कुछ ये बादाम वगैरह डाल दिया तो बता दें। लेकिन यही रेसिपी को यदि आयुर्वेदिक ढंग से देखें तो एक बड़ी क्रिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है, क्योंकि चक्का हमें बाजार से लाना नहीं है, चक्का बनाना जो होता है वो एकदम सिंपल होता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि उसे घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं। चक्का बनाने के लिए हमें घर पे दही लगाना है। तो जैसे 25 मार्च को गुड़ी पड़वा है, तो 24 मार्च की सुबह दूध गर्म करके हम नियरली 1.5 लीटर दूध लेंगे, क्योंकि हमें 500 ग्राम चक्का चाहिए। तो 1.5 लीटर दूध को हम 24 मार्च की सुबह जो जामन है वो लगा देंगे। अभी इस प्रकार का जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें मैंने जामन लगाया। अगर आपको पॉसिबल ना हो तो आप स्टील के भी बर्तन में दही जो है वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें लगेगा एक स्टील का बड़ा बर्तन और कपड़ा, ये हमें दही को छानने के लिए और उसे लटकाने के लिए लगने वाला है। तो इसे करने का भी तरीका है जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये कपड़ा हम सबसे पहले लेंगे, और ये जो स्टील का बर्तन है इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे, चारों कोने जो हैं वो अलग, और एक जो कोना है उसको हम पहले से ही गठान बांध के इस तरफ जो है लगा लेंगे, ताकि ये स्टेबल हो जाए। हम दही जो है इसमें धीरे धीरे करके पूरा डाल लेंगे। ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये चूंकि एक्स्ट्रा पानी जो है दही का वो सोख लेता है, इसलिए दही ज़्यादा अच्छा जमता है। अभी ये जो पूरा चीज़ क्लॉथ है, इसको हम पूरा पकड़ेंगे अच्छे से, सब तरफ से साथ में कर लेंगे। और ये जो हमने गठान बांधी थी, उसके बीच में इस पूरे कपड़े को हम लोग लेकर आएंगे, और ये एक गठान का सिरा और गठान का ये एक सिरा, इसको हम अच्छे से पकड़ के पहले बांध देंगे। अभी देखिए, ये मैंने कल रात को चक्का लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, और इससे हम अभी आज श्रीखंड बनाने वाले हैं। चक्के के साथ साथ हमें कुछ स्पाइसेस भी लगने वाले हैं। तो हमें लगेगा जायफल पाउडर, तमालपत्र पाउडर, नाग केसर पाउडर और दालचीनी की पाउडर, ये सब हमें पाव पाव चम्मच लगने वाला है। उसी के साथ हम लेंगे काली मिरी की पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच सूट की पाउडर, और इलायची की पाउडर है वो भी हमें आधा चम्मच लगने वाली है। केसर हमें बहुत कम, मतलब 1 या 2 पिंच लगने वाला है। तो केसर और इलायची जो है ये हम दूध में मिक्स करके डालने वाले हैं। घी और हनी जो है ये हमें एंड में मिक्स करना है। तो जब हम ये खड़ी शक्कर पीसेंगे तो उसी के साथ बाकी बचे हुए जो 6 मसाले हैं वो हम पीस लेंगे। अभी ये जो शक्कर हमने पीस ली है सब मसालों के साथ, अभी हम ये थोड़ी थोड़ी करके
चक्के में डाल के उसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अभी जिस बर्तन में हम लोग श्रीखंड को मूरी नेक्स के थ्रू निकालने वाले हैं उसको हम पहले कपूर से धूपन कर लेंगे। तो पहले जो भीमसेनी कपूर होता है उसे हम जला लेंगे और अभी उसमें से ये जो तैयार होने वाला धुआं है उसके ऊपर हम जो बर्तन है उसको उल्टा पकड़ेंगे ताकि उसका धुआं जो है वो पूरे बर्तन को लग जाए। और अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा श्रीखंड तैयार है। गुरुजी, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीखंड खाते हैं तो सर्दी खांसी हो जाती है, तकलीफ होती है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो पैर दुखने लगते हैं, जॉइंट्स दुखने लगते हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक श्रीखंड है इसके कुछ दूसरे परिणाम या कुछ अच्छे गुण देखे जाते हैं शरीर के ऊपर? श्रीखंड क्या करेगा? आँख तेज बनाएगा जी। श्रीखंड कांति, एकदम स्किन जो है वो पर अच्छी हो जाएगी। वीर्य बहुत बनाता है, इसलिए हार्ट और दिमाग ये दोनों के लिए ओज जो है वो मिलता है। और पुरुष के लिए, स्त्री के लिए वीर्य का तो होना ज़रूरी है। तो वीर्य अभी इतने सारे लाभ जैसे एक रसायन से भी नहीं मिलेंगे, ऐसे एक पकवान से जब मिलते हैं तो थोड़ी केयर तो करनी है। तो ये सब नहीं किया आयुर्वेदिक पद्धति से तो क्या हो जाएगा कि खट्टा श्रीखंड जो है, और बाज़ार में जो कच्चे दूध का, जैसे मैंने कहा कि दूध ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, उसका क्रीम निकालने क्या क्या बनाते हैं, तो ऐसे भी बनाया तो भी अंदर ये बाकी की चीज़ें और इसकी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो घुटने तो दुखेंगे, आमवाद बढ़ सकता है। और ये श्रीखंड फिर जो जिनकी ब्रोंकियल बीमारी है, लंग्स की, छाती की, उनको भी वो तकलीफ देगा, खट्टा बढ़ेगी। तो ये टालने के लिए ही ये तो आयुर्वेदिक रेसिपी है। और ये श्रीखंड खाने से आज तक कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये एक दिन तो आज शुरू किया जी। अब ये वसंत ऋतु है तब तक थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ कभी कभी घर में बनाना है ताकि जैसे वो ठंडी का सीज़न है तो ठंड के सीज़न में हम कोई गोंद के लड्डू खाते हैं, इसी तरह ये वसंत ऋतु में बीच में खाने से श्रीखंड का लाभ मिलेगा। बाकी के पकवान गर्म होते हैं, श्रीखंड गर्म नहीं खाते, ठंडा खाते हैं, क्योंकि अभी ये वसंत ऋतु है तो गर्मियाँ तो है ही। तो ये थोड़ा सा ऐसे रख देना है कहीं ज़्यादा जहाँ ठंडी हवा चलती हो और मटके के पास रख दो तो उसके थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए, फ्रीज में नहीं रखना। हाँ हाँ, ये आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो चीज़ थोड़ी भी बच जाती है तो फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में वायु वृद्धि करती है, वो अच्छा नहीं है। तो ये ठंडा करके खाना है। इसलिए जैसे कि व्यंजन जैसा दोपहर को भी कोई लोग आ गए चाय के समय में तो थोड़ा थोड़ा श्रीखंड साथ में कोई दूसरा तीखा ये दे दीजिए तो खा सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये जो श्रीखंड है, एक तो अगर आप इतनी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो केवल व्यंजन का ही नहीं दवाई जैसा भी काम करने वाला है। बनाने में एकदम इजी है, तो आपको दो चार दिन बचा के फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं। मेहमान आने वाले हो तो एक दिन पहले आप डिसाइड करके ये इतनी अच्छी चीज़ जो है वो घर पर आप सबके लिए बना सकते हो और तारीफ़ और वाहवाही भी लूट सकते हैं। तो क्यों ना इस गुड़ी पड़वा पर इस आयुर्वेदिक श्रीखंड को ट्राई किया जाए।